वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। टॉपिक है वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग। पेज नंबर आपको मिलेगा 144 पर, 145 पेज पर आपको टॉपिक मिलने वाला है ना। और इसमें मैं दो टॉपिक एक साथ कवर करूंगा। मैं वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग पहले डिस्कस करूंगा और उसके बाद में लॉ ऑफ स्ट्रिंग जो रहते हैं वो सेम टॉपिक में कवर होंगे। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि छोटे छोटे क्वेश्चंस मिला के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और इन क्वेश्चन का बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट वेटेज होता है। उसमें से एक टॉपिक ये है जहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है, या तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा या न्यूमेरिकल मिलेगा, आपको मिलने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, हुआ ऐसा, आप सबसे पहले दो रिजिड सपोर्ट के बीच में एक स्ट्रिंग है, इसे इस तरह से अटैच करते हैं। स्ट्रिंग का लेंथ एल है, मास एम है, मास लीनियर मास डेंसिटी स्ट्रिंग के एम बाय एल है। और हम जानते हैं जब भी स्ट्रिंग को प्लग किया जाता है तो उसमें ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होगी, और ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस की जो स्पीड होती है हम पहले भी देख चुके हैं, यह दी जाती है v इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग अंडर रूट टी बाय म्यू। टी होता है टेंशन और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। टी क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, टेंशन। टी क्या होता है स्टूडेंट, टेंशन। और म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अच्छा, मास पर यूनिट लेंथ मतलब कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल। मैं बात करता हूं फर्स्ट मॉड के बारे में। मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को यहां सेंटर से प्लग किया, वाइब्रेशन डेवलप होना शुरू हुए, वाइब्रेशन कुछ इस तरह से प्रोड्यूस हुए। ये हटा दिया मैंने यहां से, ठीक है। तो देखिए, ये रहा क्लोज एंड, कौन सा एंड रहा, क्लोज एंड। तो क्लोज एंड पे क्या फॉर्म हो रहा है, तो क्लोज एंड पे चेक कर लो, वापस से नोड फॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, ओपन एंड पे क्या फॉर्म हो रहे हैं, तो ओपन एंड पे देखो वापस से क्या एंटी नोड फॉर्म हो रहे हैं। एक हो गया क्लोज एंड और दूसरा कौन सा हो गया बच्चों, ओपन एंड। देखिए, यहां से यहां तक हम देख सकते हैं लेंथ लेमडा बाय टू, ऐसा लिखा जा सकता है। तो लेमडा इक्वल टू कितना आ चुका है आपके पास में, 12 निकल कर आ चुका है। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो वी बाय लेमडा, लेमडा को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 12 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 12 लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात यहां तक पूरी क्लियर हुई। नाउ नेक्स्ट मॉड जो है इसे कहते हैं फंडामेंटल मॉड और फर्स्ट मॉड। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड मॉड, सेकंड मॉड और फर्स्ट ओवरटोन मॉड, सेकंड मॉड और फर्स्ट ओवरटोन मॉड में से कह सकता हूं। प्लग करने पर वाइब्रेशन कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, डेवलपमेंट होने के बाद देखो वेव्स इस तरह से बनती है। ये जो कहला रहा है, ये पोर्शन कहला रहा है नोड, इसे फिर से कह रहा हूं नोड, इसे फिर से कह रहा हूं नोड, ये एंटी नोड और ये एंटी नोड। अच्छा, यहां चेक करो, यहां टू नोड्स है, वन एंटी नोड है, यहां टू नोड्स है और क्या है, वन एंटी नोड है। मतलब क्या हुआ, नोड्स के नंबर ज्यादा हैं और एंटी नोड के कम है। और देखो ये लॉजिकली क्लियर भी है स्टूडेंट, भाई रिजिड बाउंड्री है, रिजिड सपोर्ट ज्यादा दोनों तरफ से हैं तो नोड के फॉर्मेशन ज्यादा होने वाले हैं। अच्छा, वन एंड ओपन वन एंड क्लोज है तो इक्वल होने वाले हैं। अच्छा, दोनों तरफ से ओपन है तो एंटी नोड की कंडीशन ज्यादा है तो एंटी नोड ज्यादा होने वाले हैं। यहां दोनों तरफ से क्लोज है, दोनों तरफ से क्लोज है मतलब क्या है, नोड की कंडीशन ज्यादा होने वाली है। आइए सेकंड मोड देखते हैं। भाई यहां से यहां तक हम क्या कह रहे हैं, व्हाट वी आर सेइंग, हम कह रहे हैं सर यह है लैम्डा वन बाय टू, यह सर लैम्डा वन बाय टू। तो टोटल एल क्या लिख दोगे सर, बोले टोटल एल लिख देंगे लैम्डा वन बाय टू प्लस लैम्डा वन बाय टू, टोटल आ गया लैम्डा वन। सो सर हम कह सकते हैं एन वन इक्वल टू वी बाय लैम्डा वन, वी बाय लैम्डा वन मतलब वी बाय एल। अपनी मर्जी से मैं क्या करता हूं, टू का मल्टीप्लाई टू का डिवाइड करता हूं। इसका फर्क क्या पड़ा, इसका फर्क ये पड़ा, ये आ गया आपके पास में 2n निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया, 2n निकल कर आ गया। यहां चेक करो, n1 को मैंने कहा है 2n। अच्छा, ओवरटोन की डेफिनेशन क्या थी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। भाई पहली कौन सी थी, n थी, उससे नेक्स्ट कौन सी है, n1 है। तो n1 क्या है सर, बोले ये फर्स्ट ओवरटोन है। फर्स्ट ओवरटोन इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, FF, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब मॉड ऑफ वाइब्रेशन में एक और मॉड ऑफ वाइब्रेशन इंट्रोड्यूस होगा। यहां पर पहला लूप बना, यहां दूसरा लूप बना, अब बनेगा तीसरा लूप। समझना, फर्स्ट लूप बन चुका है, सेकंड लूप बन चुका है, अब हम थर्ड लूप के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट लूप फर्स्ट मॉड, सेकंड लूप टू लूप, सेकंड मॉड फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा, थ्री लूप थर्ड मॉड,
सेकंड ओवरटोन, थर्ड मॉड सेकंड ओवरटोन। तो ये जो डायग्राम बन रहा है थ्री लूप, ऐसा ऐसा ऐसा, इसे क्या कहा जाएगा? थ्री लूप, थर्ड मॉड सेकंड ओवरटोन। यहां से यहां तक लैम्डा टू बाय टू, लैम्डा टू बाय टू, लैम्डा टू बाय टू, टोटल एल कितना आ चुका है? ये नोड, ये एंटी नोड, फिर से नोड, ये एंटी नोड, फिर से नोड, फिर से आपके पास में एंटी नोड। टोटल लेंथ चेक कीजिएगा कितना, लेंथ है लैम्डा टू बाय टू, लैम्डा टू बाय टू, लैम्डा टू बाय टू, तो लेंथ कितना आ चुका है? थ्री लैम्डा टू बाय टू, तो लैम्डा टू कितना आ चुका है? टू एल बाय थ्री आ चुका है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी एन टू कितना आ गया है? बोले वी अपॉन लैम्डा टू आ चुका है। लैम्डा टू कितना है चेक करो, तो लैम्डा टू टू एल बाय थ्री है। सर बोले टू एल बाय थ्री है। एन टू चेक करो कितना आ गया है, बोले थ्री टाइम्स वी अपॉन टू एल है। अच्छा, इसे क्या कहा गया है चेक करो, फर्स्ट मॉड जीरो ओवरटोन, सेकंड मॉड टू लूप फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड मॉड थ्री लूप सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन थ्री इंटू एन, एन मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हम ये कह सकते हैं सेकंड ओवरटोन थर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पीटीएच ओवरटोन हम ये कह पाएंगे पी प्लस वन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या हार्मोनिक। देखिए मैं कह चुका हूं जब भी ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है इसे आप हार्मोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हार्मोनिक कहते हैं। तो यहां पर हमने ये चेक कर लिया कि जब दोनों एंड क्लोज होते हैं तब उस केस में फर्स्ट मॉड का एक्सप्रेशन जो निकल कर आया है फ्रीक्वेंसी का, वो एक्सप्रेशन है v बाय 12। सेकंड मॉड का एक्सप्रेशन निकल कर जो आया है वो है आपके पास में v अपॉन 12 के प्लेस पे कितना लिख पाएंगे आप, यहां पर 2 टाइम्स ऑफ v अपॉन 12 निकल कर आया है। जो नेक्स्ट आपके पास में निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, तो वो निकल कर आया है 3 टाइम्स v अपॉन 12 निकल कर आया है। ठीक है, तो पहला कौन सा v बाय 12, दूसरा कौन सा 2 बाय 2 v बाय 12, तीसरा कौन सा 3 v 2 बाय 12। तो अब हम कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो ले लिया जाए, मतलब तो यह आएगा v बाय 12 इज टू 2 v बाय 12 इज टू 3 v बाय 12। हर जगह से v बाय 12 कैंसिल हुआ तो क्या निकल कर आता है चेक करो, 1:2, 2:3। मतलब जब स्ट्रिंग का वाइब्रेशन होता है तब इवन फ्रीक्वेंसी एज वेल एज ऑड फ्रीक्वेंसी दोनों प्रेजेंट रहती है, इवन फ्रीक्वेंसी एज वेल एज ऑड फ्रीक्वेंसी दोनों प्रेजेंट रहती है। आइएगा पहला देखते हैं हम लोग, वी अपॉन 12, 1/12 वी, वी को लिखा है आपने टी बाय म्यू, वी को कितना लिखा है बच्चों टी बाय म्यू, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहीं से टॉपिक की शुरुआत हो जाती है लॉ ऑफ स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, तो लॉ ऑफ स्ट्रिंग के टॉपिक की शुरुआत यहीं से होने वाली है 6.7.6। तो हम कह देते हैं कि जब आप स्ट्रिंग को अटैच करके रखते हैं, स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो स्ट्रिंग की दी जाती है रिजिड सपोर्ट के बीच में, वो रिजिड सपोर्ट के बीच में फ्रीक्वेंसी है v बाय 12, v को लिखा क्या गया है अंडर रूट टी बाय म्यू। अच्छा, म्यू क्या है, एम बाय एल है, मास पर यूनिट लेंथ है। थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करना सिखा रहा हूं बच्चों, आप देख लीजिए उसके बाद आपको और ध्यान में आ जाएगा टी बाय म्यू है ना। अच्छा, वायर जो होता है, वायर 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 किस किस तरह का होता है, बोले सर वायर होता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है, इसका लेंथ भी होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होता है। सर लेंथ भी होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होता है, होता है ना, लेंथ भी है क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है, गॉट इट। अब बात ऐसी बच्चों, लेंथ भी है क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है, तो मैं चाहूं तो इसको डेंसिटी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकता हूं। जैसे ये वायर है, सो अगर मैं कहता हूं कि लेंथ एल है, मास एम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो वायर की डेंसिटी अगर रो हो तो डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ, तो मास को लिखा जा सकता है रो ए एल, रो ए एल ऐसा लिखा जा सकता है। तो भाई अभी मैंने बताया आपको म्यू को क्या लिखते हैं, म्यू को लिखते हैं एम बाय एल, तो इसे क्या लिखते हैं, बोले टी एल बाय एम। तो आप चाहें तो टी बाय म्यू
TL by M, L के प्लेस पे, L M के प्लेस पे, रो A L, L से L कैंसल, तो स्पीड को आप चाहें तो T by mu, TL by M, T by रो A, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात बोली, मान लो रेडियस आ रहे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या लिखा जा सकता है, पाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। अच्छा, पाई आर स्क्वायर लिखा आपने, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टी अपॉन रो पाई इनटू आर स्क्वायर। तो देखो, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, वन अपॉन आर स्क्वायर बाहर निकल गया, वन अपॉन आर अंडर रूट कितना, टी बाय रो पाई, टी बाय रो पाई, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये बात भी देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी। तो यहां पर आप चाहें तो इसी एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करके लिख लीजिए, वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी, ज्यादा काम का तो रो ए वाला है, रो इनटू ए, ये दो एक्सप्रेशन आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए, लॉ ऑफ स्ट्रिंग, टॉपिक का नाम क्या है, लॉ ऑफ स्ट्रिंग। तो लॉ ऑफ स्ट्रिंग में पहला लॉ जो आता है वो आता है लॉ ऑफ लेंथ। क्या आता है बच्चों? लॉ ऑफ लेंथ। अच्छा, लॉ ऑफ लेंथ क्यों लिखा जाता है, उसका कारण देखिए, हम यहां देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी के इस एक्सप्रेशन में, एन इक्वल टू है वन अपॉन टू एल अंडर रूट कितना है, टी बाय म्यू है। अगर आप क्या क्या कांस्टेंट कर दें, टी कांस्टेंट कर दें, म्यू कांस्टेंट कर दें, टू तो कांस्टेंट है ही है, तो हम ये देख सकते हैं एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बोला गया है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन एल कह सकता हूं, तो मैं ये भी कह सकता हूं एन एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसा कह सकता हूं। एन वन फ्रीक्वेंसी, L1 लेंथ पर N1 फ्रीक्वेंसी है, L1 लेंथ पर N1 फ्रीक्वेंसी है, तो L2 लेंथ पर N2 फ्रीक्वेंसी मिल सकती है और इसे कांस्टेंट कहा जा सकता है। तो आप इसे ऐसा कह सकते हैं, N2 by N1, N2 by N1 equal to L1 by L2, इसे कहते हैं लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ के मुताबिक स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। नाउ लॉ ऑफ लेंथ के बाद में सेकंड लॉ हम लिख सकते हैं, लॉ ऑफ टेंशन। क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग? लॉ ऑफ टेंशन। तो देखो, लॉ ऑफ टेंशन क्या कहता है, लॉ ऑफ टेंशन। अच्छा, इस लॉ ऑफ टेंशन के मुताबिक क्या लिख सकते हैं हम लोग? भैया फ्रीक्वेंसी का बेसिक एक्सप्रेशन चेक करो, क्या अवेलेबल है? सर बोले वो है वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी बाई म्यू। तो भाई अगर L कांस्टेंट कर दिया जाए, L चेंज ना किया जाए, म्यू कांस्टेंट कर दिया जाए, म्यू चेंज ना किया जाए, तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। भाई मान लो T1 टेंशन है तो फ्रीक्वेंसी N1 है, तो हम ये लिख सकते हैं N1 इक्वल टू K रूट T1। भाई आपने टेंशन बदल दी तो टेंशन के बदलने से फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, N2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं K रूट T2। तो आप ऐसा लिख पाएंगे N1 बाय N2 इक्वल टू, N1 बाय N2 इक्वल टू K रूट T1 K रूट T2। कैसे के कैंसिल हो गया, अंडर रूट कितना बचता है आपके पास में, अंडर रूट T1 बाय T2 बचता है। यह आ चुका है लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन। नाउ लॉ ऑफ टेंशन के बाद नेक्स्ट लॉ हम कह सकते हैं लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं इसे, लॉ ऑफ, देखो ध्यान से बच्चों, लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, जिसे एक और नाम दिया गया है लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। क्या कहते हैं? लीनियर मास डेंसिटी, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, इसके मुताबिक क्या भाई? फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन चेक करो, वन अपॉन टू एल अंडर रूट कितना है, टी बाई म्यू। अच्छा, किसी एक्सपेरिमेंट में अगर आपने टेंशन और लेंथ को कॉन्स्टेंट कर दिया, भाई लेंथ भी कांस्टेंट, टेंशन भी कांस्टेंट, तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट म्यू आता है, रूट म्यू आता है, बराबर। तो हम ये कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वापस सुनना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, इसे ऐसा लिखा जा सकता है।
अच्छा, तो म्यू को आप चाहें तो क्या लिख पा रहे हैं, म्यू को आप चाहें तो आप लिख पा रहे हैं रो ए। क्या लिख पा रहे हैं बच्चों? रो ए लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी इंटू एरिया ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, फॉर म्यू वन लीनियर मास डेंसिटी के लिए फ्रीक्वेंसी एन वन है, म्यू टू लीनियर मास डेंसिटी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, एन टू है। तो मैं कह सकता हूं एन वन इक्वल टू, या एन इक्वल टू मैं सिंपल कह सकता हूं बच्चों, एन इक्वल टू के अपॉन रूट म्यू। सो एन इंटू रूट म्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है एन इंटू रूट म्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे एन इंटू रूट म्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा तो आप लिख पाएंगे एन वन रूट म्यू वन एन टू रूट म्यू टू दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन वन बाय एन टू इक्वल टू रूट म्यू टू बाय म्यू वन दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, व्हाट द पॉइंट? अब लीनियर मास डेंसिटी को हम एरिया के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेंसिटी कॉन्स्टेंट मानते हैं अगर हम, ठीक है, और रेडियस चेंज कर देते हैं। मतलब सर क्या, मतलब क्या भाई? मैंने क्या किया, वाइब्रेशन स्ट्रिंग का सबसे पहले लीनियर मास डेंसिटी म्यू वन लिया था, मास पर यूनिट लेंथ, मैंने वायर का लेंथ वही रखा, लेकिन मैंने मटेरियल बदल दिया। मैंने क्या बदल दिया? मटेरियल बदल दिया। मान लो पहले स्टील लिया, बाद में आयरन ले लिया, ऐसा समझ के चलो, समझाने के लिए। तो अब म्यू टू आ गया, म्यू टू चेंज हुआ तो एन टू बदल जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं कि मैं दो स्ट्रिंग ले रहा हूं, आई एम टेकिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है, दोनों की लेंथ सेम रख रहा हूं, दो एक्सपेरिमेंट ऐसे कर रहा हूं, दोनों की लेंथ सेम रख रहा हूं, एक मोटा ले रहा हूं और एक पतला ले रहा हूं, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वन ले रहा हूं, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टू ले रहा हूं, रेडियस आर वन एक का रेडियस आर टू ले रहा हूं। दोनों क्या है, दोनों मान लो स्टील के बने हुए। अच्छा, दोनों मैंने स्टील के ले लिए, मतलब दोनों की डेंसिटी सेम ले ली, दोनों पे सेम टेंशन अप्लाई किया, दोनों पे क्या अप्लाई किया, सेम टेंशन अप्लाई किया, तो देखो डेंसिटी भी सेम हो गई। तो मैं कह सकता हूं एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ए, मैं ऐसा भी कह सकता हूं एन इक्वल टू के बाय रूट ए, तो मैं ऐसा कह सकता हूं एन रूट ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन रूट ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो भाई यहां से लिखा जा सकता है कि A1 के लिए फ्रीक्वेंसी मान लो N1 है, A2 के लिए फ्रीक्वेंसी मान लो N2 है, तो N रूट A इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो N1 रूट A1, N2 रूट A2 दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, N1 रूट A1, N2 रूट A2 दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, N1 रूट A1 मतलब क्या, पाई R1 स्क्वायर, N2 रूट A2 मतलब क्या, पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, पाई कॉन्स्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, बताओ स्टूडेंट, पाई कॉन्स्टेंट होता है, वेरिएबल होता है? बोले सर पाई कॉन्स्टेंट होता है, पाई क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। अच्छा, पाई कॉन्स्टेंट होता है तो क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट को रहने दीजिए, या ऐसा लिख दीजिए एन वन आर वन रूट पाई इक्वल टू एन टू आर टू रूट पाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सर ऐसा कैसे, आर वन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो R1 आ जाएगा, R2 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा R2 आ जाएगा, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल होगा, आप कह पाएंगे N1 R1 इक्वल टू N2 R2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब आप सीधा लिख सकते हैं N1 अपॉन N2 इक्वल टू R2 अपॉन R1, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब ये कह लिया भाई, स्टील के दो वायर ले लिए, स्टील के दो वायर ले लिए, एक मोटा लिया एक पतला लिया, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस में आएगी, तो देखो पतले में आएगी, जितना आर कम होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो भाई जितना पतला वायर रहेगा वाइब्रेशन उतने ज्यादा रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई है। देखिए कॉम्पिटिटिव लेवल पर बहुत सारी बातें यहां पर भी होने वाली होती है, हम यंग्स मॉडुलस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत सारे और चेंजेस ला सकते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इन वीडियो लेक्चर का केवल और केवल उद्देश्य आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और साथ साथ में स्टेट बोर्ड के साथ साथ महाराष्ट्र सीईटी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाना है। तो अगर आपको और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है तो प्लेलिस्ट में जाइए, यूट्यूब पर इलेवंथ के कॉन्सेप्ट वीडियो नाम का एक टॉपिक है, हेडिंग है, उस हेडिंग के अंदर बहुत सारे आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे, उन वीडियो से आप अपनी और बेहतर क्लैरिटी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।
पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक एमजे कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर जळगाव